दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारा YouTube चैनल इलेक्ट्रिकल वेब में। तो आज जो हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है थ्री पोल ACB और फोर पोल ACB क्या होते हैं, इनका यूज हम लोग कहाँ कहाँ पे करते हैं और क्या क्या देखते हैं हम थ्री पोल ACB जब यूज करते हैं और फोर पोल ACB जब यूज करते हैं। तो चलिए आज का जो हमारा टॉपिक है वो शुरू करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है दोस्तों थ्री पोल एयर सर्किट ब्रेकर एंड फोर पोल एयर सर्किट ब्रेकर क्या होता है, क्या होता है और इसका यूज हम कहाँ कहाँ पे करते हैं। तो दोस्तों, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए हम थ्री पोल और फोर पोल ब्रेकर का जो है कुछ इमेज डाल दे रहे हैं, जब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए आप पहले दोनों इमेज देखकर समझ जाइए, उसके बाद जो है मैं एक एक करके दोनों को समझा दूंगा। तो दोस्तों, आप लोगों की जानकारी के लिए मैं बता दूं कि थ्री पोल एयर सर्किट ब्रेकर जो होता है, थ्री पोल एयर सर्किट ब्रेकर में तीन ही पोल होते हैं। आपके जो थ्री पोल एयर सर्किट ब्रेकर है वो कुछ इस तरह होता है, जो उसके आर वाई और बी आते हैं इसमें, ये हो गए हमारे आर वाई और बी, तीन फेज आते हैं, ये हो गया इनकमिंग बस से और ये हो गया इसका आउटगोइंग बस, ये हो गया मेरा थ्री पोल ACB। थ्री पोल ACB में हमारे तीन ही पोल होते हैं, जिसमें आर वाई बी इनकमिंग नॉर्मल मेरा इनकमिंग सप्लाई आता है और आउटगोइंग बस में मेरा थ्री पोल चला जाता है। लेकिन जब हम फोर पोल ACB की बात करते हैं तो उसमें फोर पोल जो ACB की बात करते हैं दोस्तों, उसमें हमारा क्या होता है, रेड येलो और ब्लू फेज के साथ साथ मेरा न्यूट्रल भी आता है। तो ये हो गया मेरा थ्री पोल और फोर पोल एयर सर्किट ब्रेकर क्या होता है। लेकिन दोस्तों, यहाँ ध्यान देने वाली बातें ये है कि इन दोनों का यूज जो है हम कहाँ कहाँ पे करते हैं। तो जहाँ पे हमारा फॉल्ट लेवल कम हो, फॉल्ट लेवल जहाँ पे माइनर होगी वहाँ पे जो हम थ्री पोल एयर सर्किट ब्रेकर का यूज करते हैं, और जहाँ पे फॉल्ट लेवल ज़्यादा होती है वहाँ पे हम फोर पोल ACB का यूज करते हैं। दूसरा तरफ से आप ये समझ सकते हैं कि जो फोर पोल ACB होता है उसको ज़्यादातर हम अपस्ट्रीम ब्रेकर, जिसे बोलते हैं हम अपस्ट्रीम ब्रेकर जितना सारे भी होते हैं वो फोर पोल ACB की होते हैं, और थ्री पोल ACB जो होता है वो डाउन कमिंग ब्रेकर होता है, डाउन स्ट्रीम ब्रेकर बोल सकते हैं, डाउन कमिंग ब्रेकर हो सकता है। वो डाउन कमिंग ब्रेकर जो होता है वो हमारा थ्री पोल एयर सर्किट ब्रेकर होता है। तो अपस्ट्रीम ब्रेकर दोस्तों क्या होता है, जैसे कि आपका TG का जो ब्रेकर है, TG का इनकमिंग ब्रेकर है, DG का इनकमिंग ब्रेकर है, ट्रांसफार्मर का इनकमिंग ब्रेकर है, ये सब सारा हमारा जो होता है वो अपस्ट्रीम ब्रेकर होता है, जिसमें हमें फोर पोल ACB लेने की जरूरत पड़ती है। फोर पोल ACB और थ्री पोल ACB में एक बात और भी ये दोस्तों है कि अगर आपने थ्री पोल ACB ले लिया और आउटगोइंग में अगर आप मेंटेनेंस का काम करना चाहते हैं, कोई भी मेंटेनेंस का काम अगर आपका आ गया, तो अगर आपने ये थ्री पोल ब्रेकर को आइसोलेट कर दिया, थ्री पोल ब्रेकर को जैसे ही आप आइसोलेट करेंगे तो आपका आर वाई बी फेज तो आइसोलेट हो जाएगा, लेकिन आपका न्यूट्रल वाला जो फेज है वो क्या होता है, यहाँ पे एक लिंक की मदद से न्यूट्रल लिया रहता है लाइन में, जो कि आपका न्यूट्रल जो है वो आपका आइसोलेट नहीं हो पाता है। और फोर पोल एयर सर्किट ब्रेकर में आपका सारा जो है आइसोलेट आराम से हो जाता है, और आप मेंटेनेंस का काम भी इजी से कर सकते हैं, आपको कोई डर नहीं है कि किसी भी सर्किट में करंट आ सकता है। तो थ्री पोल एयर सर्किट ब्रेकर को हम लोग डाउन में यूज करते हैं और फोर पोल को अपकमिंग में। एक बात यहाँ पे ध्यान देने वाली दोस्तों ये बातें हैं कि अगर आप थ्री पोल एयर सर्किट ब्रेकर यूज कर रहे हैं, थ्री पोल एयर सर्किट ब्रेकर यूज करते हैं, तो आपको जो है न्यूट्रल लिंक की जगह आपको NCT जो कि न्यूट्रल सिटी होता है वहाँ से आपको आउटपुट लेना बहुत ही ज़रूरी है। अब न्यूट्रल से आउटपुट लेना बहुत ही ज़रूरी क्यों है दोस्तों, मैं ये आपको बताता हूँ। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने कहा कि न्यूट्रल सिटी लेना थ्री पोल एयर सर्किट ब्रेकर में मस्ट है, तो हम न्यूट्रल सर्किट जो न्यूट्रल सिटी है वो एयर सर्किट ब्रेकर थ्री पोल में क्यों लेते हैं, इसको जानने के लिए आपको जो है दो इक्वेशन फॉलोअप करने पड़ते हैं। जो सपोज कीजिए कि आपने
आपका जो सर्किट है उसमें अनबैलेंस लोड फ्लो हो रहा है, अनबैलेंस करंट फ्लो हो गया है। तो जब अनबैलेंस करंट फ्लो होता है तो उस समय दो कंडीशन आते हैं हमारे, दो कंडीशन आते हैं जो कि होता है IR प्लस IB प्लस IY ये इक्वल टू जीरो, और एक होता है IR प्लस IB प्लस IY ये डज नॉट इक्वल टू जीरो। दैट मीन्स दोस्तों कि जो हमारा अनबैलेंस करंट फ्लो हो रहा है वो IR IB, I तो मेरा करंट आ गया, RY और B फेज में जीरो हो गया, लेकिन IR IB और IY प्लस IN ये जो होता है दोस्तों डज नॉट इक्वल टू जीरो होता है। तो अगर आपने न्यूट्रल सिटी नहीं लिया है तो हमारा इसमें इस सर्किट से होते हुए मेरा जो है करंट फ्लो होने लगता है, इस सर्किट से होते हुए करंट फ्लो करने लगता है, इस सर्किट से करंट फ्लो जब करने लगेगा आपने न्यूट्रल सिटी जो है नहीं लगाया है, न्यूट्रल सिटी नहीं लगाया है तो करंट इस सर्किट से फ्लो करने लगेगा, और इस सर्किट से करंट अगर जब फ्लो करने लगेगा तो आपका जो है फॉल्स इंडिकेशन आएगा, कहाँ पे, अर्थ फॉल्ट प्रोटेक्शन, अर्थ फॉल्ट रिले जो ने आपने लगाया है, अर्थ फॉल्ट रिले अगर आपने यूज किया है उस सर्किट में तो उसमें फॉल्स इंडिकेशन हमेशा आते रहेगा कि आपका जो है अर्थ फॉल्ट हो रहा है, अर्थ फॉल्ट हो रहा है। और अगर इसका थ्रेशोल्ड लिमिट एक्सीड कर जाता है, थ्रेशोल्ड लिमिट पार कर जाता है तो अर्थ फॉल्ट प्रोटेक्शन में आपका जो एयर सर्किट ब्रेकर है, एयर सर्किट ब्रेकर जो है वो ट्रिप कर जाएगी, एयर सर्किट ब्रेकर जो है वो ट्रिप भी कर सकती है। तो इसीलिए दोस्तों न्यूट्रल सिटी को लेना बहुत ही जरूरी है, नहीं तो इस सर्किट से करंट फ्लो होके आपका एयर सर्किट ब्रेकर को जो है वो ट्रिप करा देगी। हालांकि दोस्तों यहाँ पे ध्यान देने वाले बातें ये भी है कि 3-पोल एयर सर्किट ब्रेकर का जो है प्राइस 4-पोल एयर सर्किट ब्रेकर से बहुत ही कम होता है। तो जब भी हम कोई प्रोजेक्ट करते हैं तो हमारे प्रोजेक्ट टीम जो होते हैं वो आपका पैसे को देखते हुए 3-पोल एयर सर्किट ब्रेकर ज़्यादा यूज कर लेते हैं और उसमें आपका 4-पोल एयर सर्किट ब्रेकर को कम यूज किया जाता है। तो अभी जो प्रचलन चल रहा है दोस्तों वो 3-पोल एयर सर्किट ब्रेकर का यूज ज़्यादा किया जा रहा है। तो दोस्तों आज का जो हमारा 3-पोल एयर सर्किट ब्रेकर और 4-पोल एयर सर्किट ब्रेकर में डिफरेंस था और कहाँ मैंने इसे यूज करना है, जैसा कि आप लोगों को बताया, आप लोग कमेंट करके जरूर हमें बताएं कि आपको कैसा लगा हो ये वीडियो, और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें। अगर आपको किसी और भी वीडियो की जरूरत है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो आप लोगों के हिसाब से बना पाऊं। धन्यवाद।